दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2016 का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। इससे पहले आपको बता दें कि हम पिछले लेक्चरों में यूपीपीसीएस का नया पैटर्न और उससे संबंधित सिलेबस और 2012 से लगाकर 2015 तक के प्रीलिम्स के पेपर सभी सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस लेक्चर में 2016 के पेपर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंगाल निकले हैं, तो याद रखिए ये दमदमा से। बी ऑप्शन सही है। दमदमा नामक मध्य पाषाणी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान, 5 कब्र में दो दो मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ तीन मानव कंगाल मिले हुए हैं। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो विंध्य क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंगाल मिले हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, लेख हिया। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणी पुरास्थल में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेख हिया नामक इस शिलास्तर से सर्वाधिक 17 मानव कंगाल प्राप्त हुए, जबकि अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार लेक हिया में कुल 27 मानव कंगाल की अस्थियां मिली हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, दी रूट्स ऑफ इस एंशियंट इंडिया के लेखक हैं, तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन सही है, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक डब्ल्यू ए फेयर सर्विस हैं, सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो विक्रम शिला विहार का संस्थापक था, तो याद रखिए धर्मपाल, सी ऑप्शन सही है। धर्मपाल बौद्ध मतानुयायी था, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रम शिला तथा सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, इसमें 13वें शिलालेख द्वारा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक की 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। बात करते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो याद रखिए तो इसमें समुद्रगुप्त ने की थी। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त हुई थी। यह प्रशस्ति वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थित है। वेंसेंट स्मिथ ने समुद्र को भारत का नेपोलियन का विवाद के कारण आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं हम सातवें क्वेश्चन की, तो जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किसके काल को संरक्षण दिया, किसकी किस कला को, तो याद रखिए चित्रकला को, ये ऑप्शन सही। मुगल काल की उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रसिद्ध दिया था। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार कारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, हम तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया, तो याद रखिए इल्तुतमिश को, डी ऑप्शन इसमें है। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश 1210 से 1236 बीच तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी
सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों गुलाम का गुलाम भी कहा गया। बात करते हैं नौवे क्वेश्चन की। अपना नौवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? याद रखिए सी ऑप्शन है अकबर ने। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया, किंतु अकबर के काल में ही अपने शिखर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण थे। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की। हम लोग मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह थी तो लखनऊ। मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया। मुगल काल में मकतब प्राइमरी शिक्षा मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो याद रखिए बी ऑप्शन है 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी तथा 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। बात करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की। कौन से 12वें? कृष्ण देव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो याद रखिए नांगलापुर बी ऑप्शन है। कृष्ण देव राय महान सेनानायक विजेता एवं प्रशासक होने के साथ साथ कला संस्कृति साहित्य का प्रेमी था। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमक्त माल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया। उसने अनेक मंदिरों मंडपों का तालाबों का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी विजयनगर के निकट उसने नांगलापुर नामक नगर की स्थापना की। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। सर टॉमस मोनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो याद रखिए यह 1820 से 1827। अंग्रेजों द्वारा भारत भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मोनरो एवं कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था तमिलनाडु मद्रास मुंबई के कुछ हिस्सों पूर्वी बंगाल असम दुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। सर टॉमस मोनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। अब बात करते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की। भारतीय गौरव व्यास का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए पृथ्वीराज तृतीय के लिए। आयोग ने अपने संशोधन उत्तर प्रत्येक में इसका उत्तर विकल्प बी पृथ्वीराज को माना है। यह चौहान वंश का शासक था। 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह परास्त किया, किंतु अगले ही वर्ष तराइन में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त किया तथा संभवतः वह लड़ते हुए मारा गया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। बात करते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की। तो इसमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो इसमें सी ऑप्शन है, याद रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो याद रखिए एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ इसका। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो याद रखिए ये पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया अपना पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो याद रखिए ये अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध था, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स लॉ
चेपल की संधि से अंत हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध है, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। चलिए बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो याद रखिए सतार, बी ऑप्शन सही है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854 में को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। चलिए बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, पश्चिमी भारत के डी के तारवे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है, तो याद रखिए स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, सी और डी दोनों सही हैं। प्रोफेसर धौड़ी केशव कर्वे ने 1906 में मुंबई के प्रथम मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय विश्वविद्यालय की भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। डी के कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी था। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न के दो विकल्प सी और डी को माना था, याद रखिए। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो याद रखिए मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये ऑप्शन सही है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन की दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए ये 1866, डी ऑप्शन सही है। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने अंग्रेजी शिक्षा और पश्चात संस्कृति के विरोध में चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका अविस्मरणीय योगदान रहा। चलिए बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था, तो याद रखिए स्वराज पार्टी, सी ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलिंगों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, तो याद रखिए बी ऑप्शन है जलियांवाला बाग जनसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार नाइट या सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। बात करते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की, तो अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, तो याद रखिए लाल कुर्ती रेड शर्ट, तो ए ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पश्तूनों अफगानों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे आंदोलन को ही लाल कुर्ती या सुरख पोश आंदोलन की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो याद रखिए गोंडवाना, भारत डी ऑप्शन है इसमें सही। भारत की चट्टान प्रणाली की प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में इस प्रकार है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन टेप, टर्सरी, क्वार्टनरी। उल्लेखनीय है कि भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है।
बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो सूची इसमें पर्वतीय, सूची फर्स्ट में पर्वतीय दर्रा है और सूची सेकंड राज्य, इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन है, माना माड़ा है, माना ये है उत्तराखंड में, नाथुला है ये सिक्किम में है, और फिर जो जिला है ये जम्मू कश्मीर में, और जो सिपकिला है ये हिमाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माना है ये है उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो याद रखिए जो जिला, ये ऑप्शन है, जो जिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है, इससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, इससे ऊपर जम्मू से कश्मीर को रास्ता जाता है। चुंबी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। बात करते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन। 26वां, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखिए भारतीय प्रायद्वीप की पूछ रहा है, तो यह है अन्नाई मुड़ी, भारत बी ऑप्शन सही है इसमें। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, जो अन्नाई मलाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2670 और इसकी है 2695। तो याद रखिए पहले अन्नाई मुड़ाई मुड़ी, फिर है दोदा बेटा। चलिए बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या है सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग यहाँ देख लिया करो अच्छे से, सम्मिलित है या नहीं है ये पूछ रहा है, क्योंकि इसी में कई लोग समझ में नहीं आता और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन है। क्या है बी ऑप्शन है? तिलैयाबांध, कोनार नदी। क्या है तिलैयाबांध है, ये कोनार नदी पर नहीं है, बराकर नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं सही की। तो सरदार सरोवर है ये नर्मदा नदी पर, गांधी सागर है ये चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, तिलैयाबांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। शेष विकल्प सम्मिलित हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा, तो इसमें बी ऑप्शन है, वो रहा पोलैंड इटली में है। ठीक है, वो है फोन है, आल्पस मेटल है, राइन घाटी खमसिन है, मेस में। फोन है और मेस्टल दोनों आपस आल्पस के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें मेस्टल है फ्रांस की ओर और फोन है, फोन ये स्विट्जरलैंड के स्थानीय पब्ने हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस जर्मनी की सीमा पर ही राइन नदी घाटी में प्रभावित होती हैं। बोरा इटली या एडियाटिक सागर पर बहती है। खमसीन दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक अप्रैल से जून तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। बात करते हैं 29वें, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है चेन्नई। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो याद रखिए श्रीलंका। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में केन्या देश विश्व का चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तत्पश्चात इस संदर्भ में क्रमशः चीन, श्रीलंका, चीन, भारत का नंबर आता है, परंतु आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रिका के इस प्रश्न का उत्तर डी श्रीलंका माना है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केन्या में 32%, चीन में 30% और श्रीलंका में 20% लगभग हिस्सेदारी है। बात करते हैं हम लोग 31वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित को में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये बंदरगाह है और ये देश है। तो
इसमें बी ऑप्शन है, एगार का चीन में नहीं है। ठीक है, राटर डम है ये नीदरलैंड, मॉन्टी वीडियो है उरुग्वे, जकार्ता है इंडोनेशिया। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राटर राटरडम राइन नदी के मुहाने पर बसा नीदरलैंड में स्थित विश्व का सबसे बड़ा और व्यस्तम नदी बंदरगाह है। एगार का है, एगार का बंदरगाह रूस में यसीनी नदी के मुहाने से 673 किलोमीटर दूर स्थित नदी एक नदी बंदरगाह। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। भारतीय पर्यटन के त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं, तो याद रखिए आगरा दिल्ली जयपुर, ए ऑप्शन सही। आगरा दिल्ली जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। मानचित्र पर दिल्ली आगरा जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण यह नाम दिया गया। बात करते हैं अगला 33 क्वेश्चन। अगला है पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है 23.5 डिग्री पर दीर्घवृत्तीय धुरी से। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चल चक्कर लगा दी। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे समय लगता है। अगला 34वां क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से के उद्भव की व्याख्या करता है, तो याद रखिए ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रियर ने 18 ने किया था। ठीक, अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो सूची एक में घास के मैदान दिए गए और सूची दो में महाद्वीप दिए गए, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, लानवोज है ये है अपना दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी है यह है यूरोप में। फेरीज है अपना उत्तरी अमेरिका। ओवेल्ड है दक्षिण अफ्रीका। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ठीक, लानोज है ये दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी है जो यूरोप में, और फेरीज है उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड है अफ्रीका में। अब बात करते हैं 36वें। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के तीन भाग हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं, मालाबार केरल, कनारा कन्नड़ कर्नाटक कर्नाटक में, कोंकण है गोवा महाराष्ट्र में। कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की। तो निम्न नीचे दिए गए कूट से सही से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल को की दृष्टि से सही और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ए ऑप्शन है पहले सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर बैकाल ग्रेट बैरियर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ग्रेट बैरियर 31,153 वर्ग किलोमीटर कनाडा में, बैकाल 31,500 है रूस में, विक्टोरिया है 69,485 युगांडा केन्या तंजानिया में, सुपीरियर है 82,100 कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो पहले सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बैरियर। बात करते हैं हम लोग 38वें क्वेश्चन की। तो इस सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो पहली सूची में औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरे में देश। इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लें क्या, इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि वैसे भी करो किनकी है ये जापान का क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है किनकी ये जापान में, कैंटन है ये चीन में, लॉरेन है ये फ्रांस में, बेलो हेरी जानटेले है ब्राजील में। तो याद रखिए किनकी जापान, कैंटन, चीन, लॉरेन फ्रांस,
बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राजील में। 39 क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, सूची एक में केंद्र है और सूची दो में खनिज है। तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन सही है। मको में ये कोयला से संबंधित है, डल्ली राजहरा है ये लोहे है उसके से संबंधित खनिज है, कोरापुट है ये मैग कोरापुट बॉक्साइड, चित्तदुर्ग है ये मैग्नीज है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं, मकूम है ये कोयला, डल्ली राजहरा है लोहे है, कोरापुट है बॉक्साइड, चित्तदुर्ग है मैग्नीज मैग्नीज। 40 बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की, तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य में, डी ऑप्शन सही है। तातीपाका ONGC तेल शोधन शाला आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, तो नैलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है, कौन सी नैलांग घाटी, तो याद रखिए उत्तराखंड में। नैलांग घाटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कब आ गए, मई 2015 में से पर्यटन के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। अब बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की, तो सूची एक है और सूची दो है, तो सूची एक में जनजाति है और सूची दो में क्षेत्र है उनसे, तो इसमें सी ऑप्शन सही हमारा, किर्गिज है ये मध्य एशिया, और बुशमैन है ये कालाहारी, एनू है ये एनू है अपनी जापान, और बहु है ये है अरब। इसकी व्याख्या देखते हैं, किर्गिज जनजाति है जो क्षेत्र है इसका मध्य एशिया, बुशमैन है कालाहारी, एनू है जापान, बद्दू है अरब में। बात करते हैं हम लोग 43वें क्वेश्चन की, हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत कि किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है, तो याद रखिए सिख में। 2011 बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार धर्म के आधार पर न्यूनतम लिंग अनुपात सिख समुदाय में 903 है, मुस्लिम जैन बौद्ध संप्रदाय में लिंग अनुपात 951 954 965 है क्रमशः, मुस्लिम में 951 जैन में 954 बौद्ध में 965। अब बात करते हैं 44वें क्वेश्चन की, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो याद रखिए बिहार, डी ऑप्शन सही है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का है 860 और उत्तर प्रदेश का है 829। बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये दशक हो गया जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर हो गई, तो डी ऑप्शन है 2001 से 2011 19.05 नहीं है, ठीक है 17.7% रही इस बार की 2001 से 2011, तो 1971 से 80 के बीच में रही 24.66%, 1981 से 91 में रही थी 23.87%, 1991 में रही 91 से 2001 तक 21.54, और 2001 से 2011 तक रही 17.7%, ठीक है। बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की, तो जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो याद रखिए 29 वर्ष। जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष हो, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की 37 वर्ष और जापान की 48। चलिए अब बात करते हैं 47वें क्वेश्चन की, कौन सा 47, सूची एक है और ये सूची दो है, संविधानिक संशोधन, तो याद रखिए इसमें चार है अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312, ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है याद रखना। संविधान एक
संविधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग वित्तीय आपातकाल, तो याद रखिए 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, तो याद रखिए डी ऑप्शन है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इस बात के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखने हुए ही भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। अब बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। कौन से 49 की? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन हमारा ये है, संविधान के अनुच्छेद 32 के को डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मा का कारण आ रहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 संविधानिक उपचार का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करना निरर्थक हो जाता है यदि इन्हें प्रभावी ढंग से परिवर्तित कराने की व्यवस्था न की हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है, जिसके बिना संपूर्ण संविधान की अर्थविहीन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन की, 50वें। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो याद रखिए संसद, सी ऑप्शन। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। अब है 51 क्वेश्चन हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो याद रखिए डी ऑप्शन 51। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य ए अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में विभक्ति, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने, सी है अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करने, डी है राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करना। अगला है 52 क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, बी ऑप्शन है इसमें 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 109 एक के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा उसकी सिफारिश के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। चलिए बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्तित नहीं किया जाता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राजसूची में फिगड़ित ऐसे विधेयक के संबंध में जो कि उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार उपयुक्त संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें
भी निर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार का ऐसा कोई प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता है, बशर्ते उससे बनाए रखने का प्रस्ताव पुनः राज्यसभा द्वारा उपयुक्त उपबंध के तहत पारित ना किया जाए। अब 54वां क्वेश्चन है हमारा, सरकारी आयोग निम्नलिखित में संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो याद रखिए केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत की थी। अगला 55 क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक है? तो याद रखिए एक संवैधानिक, सी ऑप्शन सही है, एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को वह अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। अगला हमारा 56 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो याद रखिए 253 है, अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ ही की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय के लिए किए किसी निश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो याद रखिए संसद में साधारण बहुमत से, बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं लोग, संघीय अवधारणा के अनुरूप भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त हैं। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्यों के गठन से संबद्ध हो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 58, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो याद रखिए भारत का महान्यायवादी, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जबकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस आधारों का पर उच्चतम आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष 3 आधारों पर पदच्युत हो सकता है, प्रथम लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर, इस्तीफे द्वारा और तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। अब 59 क्वेश्चन हमारा, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न धार्मिक प्रावधान है? तो याद रखिए भारत का राष्ट्रपति। संविधान के 341 अनुच्छेद 341 एक के अनुसार तो राष्ट्रपति से राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर उस राज्य या संघीय क्षेत्र के किसी जाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। बात करते हैं 60 क्वेश्चन की, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें देखा है हमने, तो ये संस्थान है हमारे अनुच्छेद। चलिए इसकी हम डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं, इसमें ए ऑप्शन वैसे सही है, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323,
संघ लोक सेवा 315। अब 61 की बात करते हैं हम लोग। 61 का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो याद रखिए सी ऑप्शन है 324। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन का अधीक्षण निर्देशन व नियंत्रक हेतु एक निर्वाचक निर्वाचन आयोग होगा। बात करते हैं हम लोग 62 क्वेश्चन की। कौन सा? 62। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा में होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। 83वां संविधान संशोधन 2000 वर्ष 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके पीछे कारण है कि राज्य की समूची जनसंख्या जनजाति है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। ज्ञात हो कि संविधान की धारा 343 खा के अनुसार अनुसूचित जातियां जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना का 52 को बंद करने को अधिकृत है? तो याद रखिए राज्य का राज्यपाल, ए ऑप्शन है। भारत पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 343 सी के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना का के बाबत वो बंद कर सकता है। अब बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? तो याद रखिए ए ऑप्शन है इसमें 9। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान अनुसूची 9 और अनुसूची 3 में प्रमुख संविधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप है। अनुसूची 4(1) में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में अपनाई गई थी। तो याद रखिए बी ऑप्शन है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी के साथ शासन के निचले स्तर पर जवाबदेही के विस्तार के मूल उद्देश्यों के साथ पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। बात करते हैं 66वें क्वेश्चन की। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए बीआर मेहता, सी ऑप्शन है इसमें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित पंचायतों में से किसे किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए इसमें डी ऑप्शन है 1, 2, 3, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत नामक तीनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया। बात करते हैं 68वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या होती है? तो याद रखें 21, ए ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सरकारी समितियों के निदेशक मंडल की अधिकतम सदस्य संख्या 21 हो सकती है। वस्तुतः सहकारी समिति के निर्देशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है। वर्तमान में न्यूनतम है 9 और अधिकतम है 21। बात करते हैं हम लोग 69वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSS का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है।
उच्च उत्पादक किस्म के बीजों को का वितरण, ये सही है, उद्देश्य है इसका। फिर सुधारी के उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी सही है। साग सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है, ठीक है, सी नहीं है इसमें। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ 2007-08 में के रबी मौसम से हुआ था। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन में क्रमशः 10-8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त करना था। बात करते हैं 70 क्वेश्चन की, तो 14वें आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन से हैं, तो याद रखे YB रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YB रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार को सौंपी। बात करते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए 2010 में। स्वावलंबन योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में की गई थी। योजना का स्थान मई 2015 से प्रारंभ अटल पेंशन योजना ने ले लिया। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, तो 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो याद रखिए ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क, इसका उद्देश्य है। वर्ष 2005-06 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण योजना के अंदर ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण एवं संचार सुविधा इत्यादि को शामिल किया गया है इसमें। बात करते हैं 73वें क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है, तो याद रखिए 2015 से 22। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 22 है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक शहरी क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के लिए 2 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित व्यक्तियों के लिए 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। अब हमारा 74वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, तो याद रखिए कर्नाटक है। देश में डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। देश में उत्पादित कुल कॉफी उत्पादन में से अकेले 71% भाग कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। वर्ष 2014-15 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत में कॉफी का उत्पादन 3,27,000 मिली टन था, जिसमें कर्नाटक का कुल उत्पादन 2,33,230 मिली टन था, जो अर्थात 71.32 था, प्रतिशत। बात करते हैं हम लोग 75 की, तो जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है इसमें, नहीं किया। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इसकी व्याख्या देखते हैं। समावेशी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शामिल किया गया। अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को समावेशी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं 76वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन है, गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं की का विस्तार करना, ये एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। तरह भी कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी सही है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये उद्देश्य नहीं है इसका, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, बैंकिंग अधोसंरचना के विकास विस्तार से वित्तीय समावेशन होगा। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार व कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। बात करते हैं 77वें क्वेश्चन की, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी।
घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसे दीनार अर्थबंधन भी कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत होता है। बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की, तो याद रखिए केलकर समिति, बी ऑप्शन से। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति ने की थी। अब बात करते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसमें पायरोमीटर कहा जाता है, तो याद रखिए विकिरण ताप मापी को। इसकी व्याख्या देखते हैं। पायरोमीटर एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है। यह किसी भी दूरी से दी गई सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है। यह एक वित्तीय तापमापी है। अब बात करते हैं 80वें क्वेश्चन की। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें सही, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या एक जनरेटर से होता है जो दृष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को रायडे के नियम के अनुसार दृष्ट धारा में रूपांतरित किया जाता है। बात करते हैं 81वें क्वेश्चन की। वायु की गति निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो याद रखिए बी ऑप्शन सही है, एनीमो एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर वायुदाब के मापन और हाइड्रोमीटर हवा के अपेक्षित घनत्व के मापन हेतु उपयुक्त किया जाता है। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। विकास वोल्टीय सेल होता है, तो याद रखिए सौर सेल, ये ऑप्शन है। विकास वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं जो सूर्य की विकास ऊर्जा को विकास विद्युत विभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बात करते हैं 83वीं क्वेश्चन की। तो वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो गतिज ऊर्जा, ए ऑप्शन सी। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा की का विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। गति वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। बात करते हैं 84वीं क्वेश्चन की। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है, तो याद रखिए 10 सॉरी डी ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य रूप से स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है मानी जाती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। बात करते हैं 85। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिए विकास विद्युत प्रभाव के लिए, विकास विद्युत प्रभाव के लिए, ये ऑप्शन सही है। 1921 में आइंस्टीन को उनकी खोज विकास विद्युत प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करते हैं 86वें क्वेश्चन की। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो याद रखिए सी ऑप्शन है इसमें, मेथेन। बायोगैस संयंत्र में किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ जैसे कूड़ा करकट फलों के छिलके जलकुंभी आदि का को सड़ा कर गैस बनाई जाती है। पादप अवशेष पशुओं का गोबर आदि सेलुलोजी पदार्थ अवायवीय जीवी दशा में विघटित होकर बड़ी मात्रा में दहनशील गैसें मेथेन 50 से 60, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10%, नाइट्रोजन 1 से 2% निष्कासित होती है। बात करते हैं हम लोग हम 88वें क्वेश्चन 87वें। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और विसीतक दोनों की तरह उपयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो याद रखिए बी ऑप्शन है भारी जल। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारी जल हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग विमंदक एवं विसीतक दोनों के रूप में किया जाता है, याद रखिए। 88वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु उपयुक्त होता है, तो याद रखिए उपयुक्त सभी ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरो क्लोरेमीन। ओजोन क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन रेमीन नामक तीनों तत्वों का उपयोग जल को जीवाणु मुक्त
करने के लिए किया जाता है। 89वां क्वेश्चन हमारा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो याद रखिए बी ऑप्शन है कैप्सेसिन, कैप्सेइसिन की उपस्थिति, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन, और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की, कौन से 90वें क्वेश्चन की, तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, एथेनॉल बी ऑप्शन सही है इसमें। एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थ जैसे जो चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन द्वारा किया जाता है। इसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं हम लोग 91वां क्वेश्चन की, तो कैफीन क्षारक उपस्थित होता है, तो याद रखिए चाय और कॉफी दोनों में कैफीन क्षारक चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाब एक्सेथाइन एल्केलाइड है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री फेडरिक फंडी फार्डी फर्डिनेस नैंड रेंज ने 1819 में की थी। कॉफी चाय मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग 92वें क्वेश्चन की, 92, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो याद रखिए नाइट्रेट है बी ऑप्शन है। पौधे मैदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सामान्यतः पौधे तीन प्रकार के नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, वायु से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, और मैदा से नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। बात करते हैं 93वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो याद रखिए सी डी ऑप्शन है, फॉस्फोरस 32 कोबाल्ट 60। इस प्रश्न के संदर्भ में कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 को आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रिका में माना है। वस्तुतः फास्फोरस 32 का प्रयोग विशेषता असाध्य ट्यूमर कोशिकाओं की पहचान हेतु उपयुक्त किया जाता है, क्योंकि कैंसर युक्त कोशिकाओं में अधिक फास्फोरस इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि कोबाल्ट 60 या 60 कैंसर की विकिरण चिकित्सा हेतु उपयुक्त की जाती है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद और सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्यतिक्रम की चिकित्सा हेतु उपयुक्त होता है। बात करते हैं 94वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, चलिए तो इसमें हम डायरेक्ट सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल में युक्त होता है, इसे इसलिए संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रिका में पत्रक में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर रख दिया था कर दिया था। बात करते हैं हम लोग 95वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हिमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो याद रखिए सी ऑप्शन सही है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के और हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फलस्वरूप मानव को श्वसन में असुविधा होती है और दम घुटने लगता है जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 96वें क्वेश्चन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें डी ऑप्शन है 1 2 4, मतलब यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये भी सही है। यह लोहे युक्त यौगिक करता है, ये सही है। यह कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है।
हीमोग्लोबिन रोग के प्रति रक्षा नहीं प्रदान करता है, यह कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। हीमोग्लोबिन एक लोहे युक्त जटिल प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और रक्त में ही ऑक्सीजन का संचार करता है। बात करते हैं हम लोग 97वें क्वेश्चन की, तो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्करण किया जाता है, तो याद रखिए सिनकोना की छाल से, बी ऑप्शन सही है इसमें। बात करते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्करण करसण सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। सिनकोना एक बीजी पादप होता है। बात करते हैं 98वें क्वेश्चन की, 98 जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो याद रखिए सी ऑप्शन उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन है जो स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग 99 क्वेश्चन की, तो विटामिन ई को महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिए गेहूं अंकुर का तेल, सी ऑप्शन सही है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त बादाम मूंगफली विभिन्न वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी मक्का सोयाबीन कुसुम का तेल सूरजमुखी के बीज और पालक इत्यादि भी विटामिन ई के स्रोत हैं। तो बात करते हैं 100वें क्वेश्चन की, तो मानव सादृश लघुत्तम कपि है, तो याद रखिए गिवन, ये ऑप्शन सही है। मानव सादृश लघुत्तम कपि गिवन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। गिवन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं 101 क्वेश्चन की, मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो याद रखिए उपयुक्त तीनों के लिए, मतलब सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क सोचने हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि जीवंता स्रावी ग्रंथियां शरीर की इन क्रियाओं का हार फोन द्वारा नियंत्रण करती है, इन सभी का नियंत्रण संदेश भेजकर मस्तिष्क करता है। बात करते हैं 100वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो थायमिन बेरी बेरी स्कर्विक अम्ल स्कर्वी विटामिन ए वर्णांधता, ये गलत है। विटामिन के रक्त जमना, सी ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। बात करते हैं विटामिन व्याख्या की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जबकि वर्णांधता एक लिंग सहलग वंशागति रोग है जिसे लाल हरा अंधापन अथवा डेल्टोनेज्म भी कहा जाता है। बात करते हैं 103वें क्वेश्चन की, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो याद रखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, बी ऑप्शन है। श्वेत रक्त कोशिकाओं शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। इसमें असमान वृद्धि की ही ल्यूकेमिया कहलाती है। बात करते हैं 104 क्वेश्चन की, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह पीड़ित है बुलिमिया से, ये ऑप्शन है। बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए। बात करते हैं 105वें क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह रक्त सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो याद रखिए ग्रुप ए या समूह ए, सॉरी समूह ओ रक्त, इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता, रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। रक्त समूह ओ में कोई पितिजन नहीं होता है, अतः इसका हृदय सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं 106वें क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो याद रखिए ये हमारा बरेली में, कहां बरेली में, ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चित नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1989 में भयंकर रोगों से भारतीय पशुधन संपदा के बचाव हेतु शोध कार्य करने के लिए इंपीरियल विक्ट्रियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुई थी। जीवाणु विज्ञानी
सर लोनार्ड रोजर के प्रथम निदेशक थे। वर्तमान 2014 में से अब तक डॉक्टर राजकुमार सिंह इसके निदेशक हैं। बात करते हैं 107वें क्वेश्चन की। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये सूची एक है, सूची दो, तो इसमें भी ऑप्शन सही है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। बीजी कल्चर ये सब्जी से, सॉरी बीजी कल्चर है ये हमारा वृक्षों की कृषि से। पीसी कल्चर है मछली, और ओलेरी कल्चर है सब्जी से। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग उस समय। बीटी कल्चर अंगूर की खेती, फिर बीजी कल्चर वृक्षों की, पीसी कल्चर मछली पालन, ओलेरी कल्चर है सब्जियों की खेती से संबंधित। बात करते हैं 108वें क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल हरियाणा में 1923 में हुई थी। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम लोग 109वें क्वेश्चन की। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, तो याद रखिए यह हमारी कैलिफोर्नियम 52, 252 या 52। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कार्बन परमाणु की मदद से दिसंबर 2015 में एक नवीन पदार्थ एडोडेट्रल फुलेरीन का निर्माण किया, जिसे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है। इसकी कीमत 127 बिलियन डॉलर प्रति ग्राम आंकी गई है, जबकि आयोग ने कैलिफोर्नियम 52 को माना है, जो गलत है। बात करते हैं हम लोग 110वें। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी ऑप्शन है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। भारत के केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले से 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। बात करते हैं 111वें क्वेश्चन की। तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय की यह योजना विकसित हुई, तो याद रखिए 2008 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना घोषणा 2 जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसके 8 लक्ष्य में से एक ग्रीन इंडिया मिशन भी था, जिसके तहत भारत में वन क्षेत्र को 20% से बढ़ाकर 10 वर्षों में 33% तक लाना तक करना। 112 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित गैसों में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है O2। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड। बात करते हैं हम लोग 113वें क्वेश्चन की। तो हमारा 113वां क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है इसमें। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल, वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है, मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है, जिसके वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक वायु में पहुंचते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 114वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो याद रखिए धान का खेत, ये ऑप्शन सही है। विकल्पों का धान का फिसलनगत विकल्पों धान का खेत है, वन धान का मैदान और झील में से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि वन झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। बात करते हैं 115वें क्वेश्चन की। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो याद रखिए डी ऑप्शन है। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है, दोनों होता है, क्योंकि वह सर्वाहारी होता है। बात करते हैं 116वें क्वेश्चन की। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक आवासीय विनाश।
जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का ह्रास है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वनों क्षेत्रों की सघनता कम होना, औद्योगिक तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि। बात करते हैं हम लोग 117 क्वेश्चन की। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत तो राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान है। अब बात करते हैं हम लोग 118 की। तो 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का पारस है, याद रखिए, 4 से 5%। वर्ष 2014-15 में भारत के देश निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का पारस 4 से 5% था। वर्ष 2014-15 में भारत का कुल निर्यात था 18,96,348 करोड़ रुपए। इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग कुल भारत का था, ठीक है। फिर इसमें उत्तर प्रदेश की 4.48% थी। 119वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो खतौली का ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना है। वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है, ठीक है। अब बात करते हैं 120। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? तो याद रखिए, नोएडा में, सी ऑप्शन है इसमें। चलिए बात कर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में अवस्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे प्रमुख है। बात करते हैं 121वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में कौन अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो याद रखिए, बी ऑप्शन सही है, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, विद्या बालन है, बी ऑप्शन ए है, विद्या बालन। विद्या बालन निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वस्तुतः वर्ष 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को नवीनीकृत कर निर्मल भारत अभियान के रूप में लागू किया गया, जिसे 2014 में पुनः नवीनीकृत कर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लागू किया गया। बात करते हैं 122वें। वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजीता और ए मैकडोनाल्ड निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? हैं तो याद रखिए, जापान, कनाडा। वर्ष 2015 का भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार न्यूट्रिनो स्पंदन की खोज हेतु संयुक्त रूप से जापान के तकाकी काजीता और कनाडा के आर्थर बी मैकडोनाल्ड को प्रदान किया गया है। बात करते हैं 123वें क्वेश्चन की। भारत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में गोपनीय मिलने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो वर्ष 2015 में आयोजित हुआ था, तो याद रखिए, इस्लामाबाद। भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो 9 दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद में आयोजित था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 124 पे। तो UNSCR के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई है? तो याद रखिए, इसमें सही ऑप्शन नहीं है, तो इसकी व्याख्या है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा दिसंबर 2015 में जारी आंकड़ों के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या 1.1 मिलियन से अधिक हो गई है। आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। बात करते हैं 125वें। विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? तो याद रखिए, फिलीपींस, बी ऑप्शन सही है। फिलीपींस अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। इसके तहत वर्तमान राजधानी मनीला के आपदा ग्रस्त होने की स्थिति में पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस क्लार्क सिटी का विकास वैकल्पिक राजधानी के रूप में किया जाएगा। बात करते हैं हम
126 भाई। टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना है? तो याद रखिए ये हैं वर ए बी अल बगदादी। टाइम मैगजीन द्वारा जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को टाइम सॉरी यार डी ऑप्शन है एंजेला मार्केल। टाइम मैगजीन द्वारा जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया है। 127 है। सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है? तो याद रखिए ये है सलमा बिनत। 12 दिसंबर 2015 को सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली पहली महिला है सलमा बिनत। चलिए बात करते हैं हम लोग 128 की। हाल ही में सुर्खियों में आया बेंडेल स्टीन 7X संबंधित है? तो याद रखिए डी ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा से। बेंडेल स्टीन 7X तापीय अवधारणा पर आधारित एक प्रायोगिक नाभिकीय संलग्न संयंत्र है जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स द्वारा ग्रीक्स वाल्ड जर्मनी में अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया। बात करते हैं 129वें क्वेश्चन की। तो विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू है? तो याद रखिए 22। डी ऑप्शन सही है। विभिन्न स्रोतों में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध होने के कारण आयोग द्वारा यह सेशन मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। फिर भी कैड वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार वर्तमान में अनिवार्य मतदान लागू करने वाले देशों की संख्या 22 है जो कि कुछ हद तक विश्वसनीय है। अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी हो सकता है। कैड वर्ल्ड फास्टर बुक के अनुसार 22 देश निम्न है थाईलैंड थाईलैंड सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया कांगो डोमिनिक रिपब्लिक लेबनान होडुरास मिस्र ग्रीन ग्रीस लेजमबर्ग बेल्जियम बेलिविया ब्राजील पराग्वे उरुग्वे इक्वाडोर कोस्टारिका पेरू पनामा मैक्सिको नोरू अर्जेंटीना। भारत में गुजरात सरकार ने अनिवार्य मतदान को लागू किया। बात करते हैं 130वें प्रश्न की। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे की अनुमति दी है? तो याद रखिए चीन। देश में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या तथा घटती कार्यकारी जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए चीन ने अपने एक बच्चे की मानक नीति को जो 1979 से लागू थी को अस्वीकृत कर दिया। माता पिता को दूसरे बच्चे की अनुमति प्रदान की गई अक्टूबर 2015 में। अब बात करते हैं 131वें क्वेश्चन की। तो भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने खेला था? तो याद रखिए इंडिया एसएच की ओर से। सी ऑप्शन सही है। भारत में संपन्न हुए इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने इंडिया एसएच की ओर से खेला था। बात करते हैं 132। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्षों की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? तो याद रखिए आजमगढ़। सी ऑप्शन सही है। नवंबर दिसंबर 2015 में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में आजमगढ़ जिले के फूलपुर ब्लॉक के आदमऊ ग्राम के प्रधान 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी चुनी गई। बात करते हैं 133। रघुवीर चौधरी ने जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया जिस साहित्य को संपन्न किया गया हुआ है गुजराती। बी ऑप्शन सही है। गुजराती साहित्य का लघुवीर रघुवीर चौधरी को 29 दिसंबर 2015 को वर्ष 2015 के लिए 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बात करते हैं 134वें। भारत के सभी राज्यों को विश्व के अलग अलग देशों मानकर मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग के मामले में इन राज्यों को संबंधित देशों देश की रैंकिंग से मिलान करें और नीचे दिए गुट। तो याद रखिए यह राज्य और यह रैंकिंग देश। तो इसमें ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन सही है। कौन सा बी? तो याद रखिए केरल मालदीव गुजरात होंडुरास उत्तर प्रदेश पाकिस्तान महाराष्ट्र दक्षिण अफ्रीका। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो केरल है जो मालदीव से है गुजरात होंडुरास उत्तर प्रदेश पाकिस्तान महाराष्ट्र दक्षिण अफ्रीका।
अगला 135, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो याद रखिए एसबीआई, डी ऑप्शन सही है। सितंबर 2015 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिंपली क्रेडिट कार्ड योजना भारत के साथ सबसे बड़ी ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रारंभ की गई है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 136वां, तो 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अलोंजो अनलोंजो वोट बैक बैक संबंधित है। तो याद रखिए फिलीपींस से। 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया अनलोंजो वोट जबेक फिलीपींस की है। यह प्रतियोगिता अमेरिका के लॉस वेगास में 20 दिसंबर से 2015 में को हुई थी। बात करते हैं 137 में। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया है, भ्रष्ट आचरण संबंधित है। तो याद रखिए बी ऑप्शन, रेलवे के ब्रांड जेल रेल नीर से। दिसंबर 2015 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रेलवे के ब्रांड जेल रेल नीर से संबंधित भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया। इस घोटाले में जल के विक्रय द्वारा रेलवे को 19.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बात करते हैं 138 है। भारत के बराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की जाएगी? तो इजराइल के, सी ऑप्शन सही है। भारत ने बराक 8 मिसाइल इजराइल के सहयोग से विकसित की है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 139 है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है? उन्होंने इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती हैं। तो याद रखिए सऊदी अरब, सी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब में वर्ष 2015 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान एवं चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्रदान किया गया। उन्होंने इतिहास बनाते हुए इस चुनाव में 20 सीटें जीती, इसमें 13 सीटों का उल्लेख है जो कि गलत है। 140वां क्वेश्चन है, और इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह ए ऑप्शन है 1-2, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, ये भी सही है। राज्य योगदान 25% है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही है अपना। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय विहीन गृहों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित परियोजना है जिसमें 75% केंद्र, 15% राज्य और लाभार्थी 10% का योगदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो याद रखिए स्वच्छ भारत मिशन, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ भारत भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी प्रस्ताव शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया। मिशन का उद्देश्य 1.404 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.4 लाख सामुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध की सुविधा प्रदान करना है। स्वच्छता से संबंधित पहले भी कई योजनाएं चलाई जा चुकी हैं जिसमें निर्मल भारत अभियान प्रमुख है जिसका उद्देश्य खुले स्थानों पर मल त्याग का पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। पहले इसका नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था। बात करते हैं 142वें क्वेश्चन की, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो याद रखिए ये ऑप्शन सही है, माउंट आबू में। ओ, आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इस अकादमी की स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। बात करते हैं 143वें क्वेश्चन की, कौन से 143, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस स्थापित किया गया? तो याद रखिए इसकी व्याख्या देखते हैं उसमें। केंद्रीय सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म
दिवस को 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने की संस्तुति है की गई है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। बात करते हैं हम लोग 144, तो कारगिल टर्निंग टर्निंग द टाइट टाइड लिखी है, तो याद रखिए मोहिंदर पुरी ने। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी द्वारा वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में 8वीं माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया गया था। बात करते हैं 145 पे, तो निम्नलिखित राज्य किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा कुआ और नलकूप से, 29.2% नहर से, 4.6% तालाबों से सिंचित होता है। देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 93.84 लाख, कितना 93.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, जो कि कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र का 28.29% है, 19% है। नलकूप सिंचित क्षेत्र की दृष्टि उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा बिहार का स्थान आता है। बात करते हैं 146वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकरण निकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो याद रखिए 2008 में। ये ऑप्शन है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति संबंधी विवादों को घटाना, भूमि अभिलेखों के रखरखाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाना आदि उद्देश्यों से की गई थी। बात करते हैं 147वीं, भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके द्वारा किसके अंतर्गत प्रदान की गई थी की जाती है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सी ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2009 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वर्ष 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल की गई। बात करते हैं 148वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है, तो याद रखिए बी ऑप्शन है, इसमें 6 से 14 वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 149 निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो याद रखिए इसमें बी ऑप्शन है, 3-2-1, मतलब हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर है गरीबी हटाओ। इसकी व्याख्या देखते हैं, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 1966, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, गरीब हटाओ 1971। ई ब्रिज संबंधित है, तो याद रखिए डी ऑप्शन सही है इसमें, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। ई ब्रिज में ई का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक तथा ब्रिज का तात्पर्य बिजनेस है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ई ब्रिज पोर्टल के तहत कारोबार संबंधी 14 प्रकार की स्वीकृतियां एक ही प्लेटफॉर्म से प्रदान की जाती हैं। चलिए, तो यह था हमारा 2016 का पीसीएस यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर सामान्य अध्ययन का। अगले लेक्चरों में हम बात करेंगे 16 और 17 के, सॉरी 17 और 18 के क्वेश्चन पेपरों की।